हाल ही में समाप्त हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से धमाल मचाने वाले मोहम्मद शमी ने नैनीताल में एक सड़क दुर्घटना का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कार के खाई में जा गिरने के बारे में बताया है, जिस वजह से सभी फैंस काफी चिंता में हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और मोहम्मद शमी के साथ क्या हुआ। वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के बाद अब छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। इस दौरान वर्ल्ड कप के खत्म होने के साथ ही वो सबसे पहले अपने घर जो कि अमरोहा में स्थित है वहां पर गए थे। इसके बाद वो अब नैनीताल घूमने जा रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने एक कार दुर्घटना की जानकारी साझा की है, जिसके बाद से ही सभी फैंस काफी चिंता में हैं। हालांकि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शमी पूरी तरह से सुरक्षित है और उनकी कार का नहीं बल्कि किसी दूसरी कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कार चालक को शमी और उनके दोस्तों ने सुरक्षित बचा लिया है। दरअसल जब मोहम्मद शमी नैनीताल जा रहे थे, इसी दौरान उनकी कार के आगे चल रही एक कार पहाड़ी से नीचे गिर गई, जिसके तुरंत बाद ही शमी और उनके दोस्तों ने मिलकर उस कार चालक को सही सलामत बाहर निकाल लिया। इस बात की जानकारी शमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद शेयर की है। शमी ने रेस्क्यू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वो बहुत भाग्यशाली है कि भगवान ने उसे दूसरा जीवन दिया। उनकी कार मेरी कार के ठीक सामने नैनीताल के पास पहाड़ी सड़क से नीचे गिर गई, हमने उसे बहुत सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। बता दें, शमी ने वर्ल्ड कप में तो अपनी गेंदबाजी से दिल जीता ही था, लेकिन अपने इस दरिया दिली से एक बार उन्होंने फिर से फैंस के दिल में एक बड़ी जगह बना ली है। बता दें, शमी ने वर्ल्ड कप के 7 मैचों में 24 विकेट लिए थे और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो गेंदबाज बने थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।